हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लस्टरिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि क्लस्टरिंग एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर्स की, जिसको मैं सी कंप्यूटर्स यानी जो सी नाम से दिए, वो हमारे कंप्यूटर्स से गाइज, ठीक है, या फिर कोई ऐसा डिवाइसेस से, स्टोरेज डिवाइसेस बात करें या फिर सर्वर की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो C1 C2 यानी CCC यानी तीन डिवाइसेस है हमारे। अभी लोकली जब हम किसी सिस्टम को कनेक्ट होते हैं तो हम पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्ट होते हैं गाइस। और ये जो अंदर का आईपी रहता है सिस्टम्स का, उसको बोलते हैं प्राइवेट आईपी। तो अगर बाहर से मैं किसी एक ही आईपी से किसी सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि मैं facebook.com को एक्सेस करना चाहूँ तो एक आईपी से कर सकता हूँ, लेकिन अंदर फेसबुक के मल्टीपल्स डॉट साइट्स है, जैसे कि मैंने साइट्स को कहा, आईपी को कहा ए आईपी, इस आईपी को मैंने बी नाम दिया और इस आईपी को मैंने नाम दिया सी। अब ये क्या है, मान लो कि मैं किसी आईपी से यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेस करने के लिए मैंने आईपी लिया x.x.x.x, और अभी अंदर के जो आईपी है वो अलग रेंज में है गाइस। अलग रेंज में मींस y.y.y.y, ठीक है। तो ये y1 y2 y1 y2 और y3 अलग अलग आईपी है। आप क्लस्टरिंग होता क्या, ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि एक आईपी से आप अंदर जाएंगे और अंदर मल्टीपल सर्वर से जो कि एक ही डेटा एक्सेस कर रहे हैं, फेसबुक का ही डेटा एक्सेस कर रहे हैं, इनकेस अगर सर्वर तीसरा सर्वर डाउन हो जाता है तो दो सर्वर बाकी का डेटा संभाल सकते हैं, या फिर लोड नहीं आता है किसी डिवाइस पे, एक डिवाइस पे कि मल्टीपल ट्रैफिक आ रही है बाहर से पब्लिक आईपी से, तो यहाँ पर उन पे लोड नहीं आता, इसको बैलेंस करने का जो काम है वो क्लस्टरिंग डिवाइस करते हैं ये। तो इंटायर प्रोसेस को क्लस्टरिंग कहते हैं गाइस, जो डिवाइस का लोड कॉम्बिनेशंस को संभालता है, आईपी को मैनेज करता है, डेटा को मैनेज करता है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है गाइस, ये समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही एक बहुत एडवांस सिस्टम टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है मार्केट में क्लस्टरिंग की, जो कि लोड बैलेंस कर रही है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर आप किसी साइट के ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट की, तो नंबर ऑफ पीपल सर्चिंग दिस साइट पैरेलली, सो उसको मैनेज कैसे करें, ये एक टेक्नोलॉजी है जो जो वो कंपनीज यूज करती है। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कोई ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं बताई इस वीडियो में, बस एक कंसेप्ट बताइए कि वन पब्लिक आईपी को मैनेज करने के लिए मल्टीपल सर्वर होते हैं और उनको कनेक्ट किया जाता है मल्टीपल लाइन से, और उस लाइन के कॉम्बिनेशन को हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। बस फिनिश इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय, टेक केयर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज जाते वक्त सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच, बाय।